কিচ্ছু কষ্ট নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে হাত ধরবেন না। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज है 3rd July 2021 और अभी बज रहे सुबह के ऑलमोस्ट 10, देख सकते हैं। तो आज है मेरा बर्थडे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैंने ये नया चेक शर्ट पहनूंगा, तो पहन लिया। और उसी के साथ जो नया वाला वॉलेट आया था उसको भी मैं आज से यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं जिसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने भी ये गिफ्ट भेजा, हार्टी थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो आप सोच रहे कि मैं पार्टी वार्टी घूमने घूमने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आज मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, आनंदलोक हॉस्पिटल। घबराने का कुछ नहीं है, एक्चुअली पापा का एक चेकअप है और मम्मी का आर्टिफिशियल टेस्ट। एक्चुअली जो है पापा को यूरिन का प्रॉब्लम है, तो हम लोग सोच रहे थे कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होगा। तो USG में आया कि स्टोन्स थोड़ा बड़ा, तो फिर डॉक्टर दिखा रहे थे यूरोलॉजिस्ट, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह दिया था, लेकिन लॉकडाउन हो गया। तो फाइनली टेस्ट कर लिया और आज अपॉइंटमेंट मिल गया फाइनली एक डॉक्टर का। और उसी के साथ मम्मी का भी आर्टिफिशियल टेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली मम्मी को जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो ऑपरेशन करने का टाइम हो गया। एक्चुअली ये 2 साल पहले पकड़ा गया था USG में। मम्मी को एसिडिटी वगैरह कुछ ज़्यादा होता था, तो उस टाइम ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन अभी टाइम हो गया 2 साल बाद, स्टोन बड़ा हो गया। तो उसके बाद लॉकडाउन वगैरह हो गया, वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं मिल रहा था, तो फाइनली वैक्सीन का सेकेंड डोज भी हो गया। और उसका नियम है 2 वीक्स के बाद ऑपरेशन होना, तो ऑलमोस्ट 1 महीना होने चला। तो मम्मी का जो सारे टेस्ट है सब ओके है, लेकिन RT-PCR के लिए रुक गया। तो डॉक्टर बोला ठीक है, मैं घर से वापस आ रहा हूँ घूम के, तो आप लोग RT-PCR वगैरह सब रेडी करके रखिए। तो उसी के लिए आज चलेंगे हम लोग आनंदलोक हॉस्पिटल। तो दोस्तों, लाइफ में तो 2 ही प्रीसियस जेम्स है, मतलब कि डायमंड्स, माँ और बाबी, तो यही सब के लिए है। तो मम्मी पापा का हमेशा ब्लेसिंग्स रहे, तो हमेशा उसका ख्याल रखिए। मतलब बहुत जन को ये मौका नहीं मिलता क्योंकि बाहर रहते जॉब के वजह से, लेकिन अगर मौका मिले तो ज़रूर उनका सेवा हमेशा कीजिए। उनका प्रेसिडेंस सबसे फर्स्ट होता है, क्योंकि जो भी है आज हम उनके लिए हैं। और एक मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आप मेडिक्लेम नहीं कराएं तो ज़रूर करा के रखिए। हम लोग का तो एक वेस्ट बंगाल में सासू ससुर कार्ड गवर्नमेंट का मेडिकल, ऊपर से भैया ने भी बैंक से करवाया था, अपना बैंकर है भैया, तो वहाँ पे भी एक प्राइवेट मेडिक्लेम किया गया है। तो दोस्तों, हॉस्पिटल है तो डरने का कोई बात नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ कि मोटिवेशन मिले। हमेशा जम के लड़ना चाहिए, ऐसा होते रहता है घर में, बीमारी है तो आएगा, लेकिन जम के मुकाबला करना पड़ेगा। और लास्ट ईयर भी मैंने अपना फैमिली मेम्बर खो दिया था, एक प्यारा सा मेरा, मतलब क्या बोले, अपना रिलेटिव एकदम ब्लड रिलेशन में। तो कुछ करने का नहीं, लाइफ में आगे बढ़ना होगा, लेकिन जम के लड़ाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं और मम्मी का पापा का सारे टेस्ट चेकअप सब करवाते हैं। और दोस्तों, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है। मैंने ये चेक शर्ट ब्लैक पैंट के साथ पहना, देख सकते हैं। कैमरा का थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ये देखिए, विथ फॉर्मल शूज़ भी पहन लिए, तो ठीक है ना, मतलब फिटिंग्स वगैरह सब कुछ अच्छा हुआ। और हाँ, जाने से पहले मास्क ये तो पहनना ही पड़ेगा, यही तो भरोसा है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं हुआ, तो आप भी पहनिए अगर बाहर जा रहे हैं, वैक्सीन हुआ तभी पहनिए। और अगर धूप हुआ तो सनग्लास भी ले लेते हैं और टोपी भी ले लेते हैं, मतलब हेयर्स मैं अभी बड़ा कर रहा हूँ, तो धूप और डस्ट और जाम्स तो सबसे प्रोटेक्शन देता है। कैप मैचिंग है, कलर देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो है प्यूमा का ओरिजिनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी मास्क। तो चलिए चलते हैं, लेट्स फाइट। चाबी टेके रखे तो मैं ऐसा है कुछ मिनट ना वाली है, सब ला मेरी खुल दी। ये Thank you.
यहाँ पे तोपसी फ्लाईओवर का काम बहुत ही जोर कदम से चल रहा है और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग को बहुत ही सुविधा होगा, टाइम सेव होगा। अभी तो बरसात का टाइम है तो चारों ओर पानी पानी कीचड़ कीचड़ होकर रखा है, तो हम लोग को बहुत ही संभाल के और सावधानी बरस के यहाँ से गुजरना पड़ता है। ऊपर से यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग है तो एक बार जाम में फंस गए तो हालत बहुत बुरा हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ का मिनी लद्दाख बोल सकते हैं। एनीवेज मैं मजाक कर रहा हूँ। रानीगंज आनंद लोक हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग गए कैश काउंटर पे, क्योंकि मम्मी को करवाना था कोविड 19 के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट और पापा को चेकअप था यूरोलॉजिस्ट का। मम्मी अभी वेट कर रही है क्योंकि उनको आरटीपीसीआर के लिए सैंपल देना है। मम्मी का आरटीपीसीआर टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इधर पापा का भी यूरोलॉजिस्ट चेकअप कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम लोग घर वापस लौट आए। तो आज है 4th जुलाई 2021 और मोबाइल में एसएमएस आ गया और मैंने ऑनलाइन चेक किया तो मम्मी का जो आरटीपीसीआर टेस्ट था वो नेगेटिव आया, मतलब मम्मी को कोविड 19 नहीं है। तो मम्मी को लेप्रोस्कोपी कोलियेक्टोमी मतलब जो गॉलब्लैडर स्टोन का माइक्रो सर्जरी है उसके लिए एडमिट करेंगे 7 जुलाई 2021 9 AM मॉर्निंग में। तो आज है 7 जुलाई 2021 और अभी बजे सुबह के 11 और हम हैं आनंद लोक हॉस्पिटल में रानीगंज में। और आज जो है मम्मी का गॉल ब्लडर स्टोन का ऑपरेशन होने वाला माइक्रो सर्जरी, तो हम लोग सुबह 9 बजे आए, मम्मी को एडमिट किया और मम्मी ऊपर में अभी वार्ड में है बेड नंबर 421 और वहाँ पर अभी रेस्ट कर रही है। और मेरे साथ मेरे भाई लोग आए हैं, दो भाई है इधर देख सकते हैं और भैया भी है फ़ोन में बात करके जी, और पापा भी आए हुए हैं, पापा अंदर बैठे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ सही हो जाए, सेकंड हाफ में ऑपरेशन है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि सब सही हो जाए। थोड़ा टेंशन तो होता ही है, ऑपरेशन का मामला है, लेकिन आशा करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। मम्मी की ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद वो नींद में थी और ऑक्सीजन भी चल रहा था और वो हल्का एनेस्थेसिया में थी, तो इसीलिए हम लोग बात नहीं किए और घर वापस आ गए और दूसरे दिन मॉर्निंग में उनसे मिलने के लिए गए।
যদি তো সেদিন দেখা হয়েছে তো জানো আমি ভালো হয়েছি तो मम्मी का आज ऑपरेशन के बाद दूसरा दिन है, आज है 8 जुलाई 2021 और मम्मी एकदम फिट बैठी हुई है तो एकदम देख के अच्छा लग रहा है और कुछ खाना भी खाएं मुड़ी खीरा एप्पल ये सब तो माँ कैसे हो भालो कोनो कष्ट होते हैं एकदम कष्ट और बैठा रहता है ना और हटा चला होते ठीक ठाक तो डॉक्टर भी कहा कि सब कुछ सही है तो आज ऑब्जर्वेशन में रखेगा उसके बाद कल फाइनल चेकअप करके 9 तारीख मोस्ट प्रोबेबली कल रिलीज होगा मतलब डिस्चार्ज होगा हॉस्पिटल से तो ठीक है एम डी करो अब दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा। ये सैंपल मुझे हॉस्पिटल से मिला था और इसमें देखिए कितने सारे छोटे 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 स्टोन्स है। ये सारे स्टोन्स मम्मी की गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर नेक में फंसा था जो कि डॉक्टर ने माइक्रो सर्जरी करके निकाला और ये धीरे 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 2 साल से बना था। तो मम्मी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ एसिडिटी का प्रॉब्लम था, कोई पेन नहीं, टोटली पेनलेस, जो कि एक एक्सेप्शन था। तो मम्मी का जो ऑपरेशन है वो 3 महीना गुजर चुका है, past 3 months। तो मम्मी अभी एकदम सुस्त और फिट, तो मम्मी से पूछ लेते कि कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं। तो माँ की जो प्रॉब्लम होती है कौन ना और कोनो बैठा बस साइड इफेक्ट किचु ना किचु नहीं एकदम फिट और अभी मम्मी घर का हर काम कर रही है एकदम सुस्त है और सिर्फ कुछ रेस्ट्रिक्शन है जैसे कि लाइट खाना खाना पड़ेगा और ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रह सकता और हैवी चीज़ें उठाना मना है मतलब लिफ्टिंग हैवी वेट्स तो ये सब थोड़ा सावधानी बरसना होगा। तो बाकी एकदम फिट और एक चीज आप सबको मैं बताना ही भूल गया था कि मम्मी का बायोप्सी टेस्ट भी हुआ था मतलब कैंसर के लिए जो टेस्ट होता है और वो रिपोर्ट भी आ गया और वहाँ पे साफ साफ लिखा कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ मेलिग्नेंसी मतलब कैंसर का कोई भी प्रूफ नहीं है तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों मम्मी का जो ये पूरा ट्रीटमेंट हुआ शुरू से लेकर लास्ट तक तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास खर्चा हुआ क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन के साथ साथ थोड़ा वहाँ पे अंदर में इन्फेक्शन था गॉल ब्लैडर को वहाँ पे तो और कुछ ट्रीटमेंट थेरेपी करना पड़ा जिसके लिए बिल थोड़ा बढ़ा। तो हम लोग के पास मेडिक्लेम था तो 75% क्लेम कंपनी से मिला और बाकी 25% हम लोग को कैश पेमेंट करना पड़ा। और दोस्तों अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है तो ज़रूर करवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है आजकल का दिन में क्योंकि कब कौन सा बीमारी आ रहा है कोई ठीक नहीं है और कोई भी बीमारी हो तो उसको लेट मत कीजिए मतलब छुपाइए मत, शरमाइए मत, डरिए मत, जम के फाइट कीजिए, तुरंत ट्रीटमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से इंस्पिरेशन लगा, मोटिवेशनल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा और कुछ पॉजिटिव वाइब्स लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपना सर्कल में थोड़ा शेयर कीजिए ताकि दूसरों भी मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिले। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का और वीडियो आगे देखना है और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं वीडियो पब्लिश करूँ। और अगर आपको कुछ भी कहना है, कोई भी सुझाव है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय, बी हैप्पी।